नवी मुंबई नेटवर्क। सनपड़ा प्रभाग क्रमांक 30 में अपने कार्यों का दबदबा दिखाते हुए भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा नवी मुंबई के जिला उपाध्यक्ष पांडुरंग आमले द्वारा आषाढ़ी एकादशी के मौके पर जनता की समस्याओं के निराकरण के लिए सनपड़ा सेक्टर 3 साईं संगत बिल्डिंग में जनसंपर्क कार्यालय का शुभारंभ पांडुरंग आमले द्वारा समाज सेविका जया अमिल चंदानी और प्रभाग के तमाम ज्येष्ठ नागरिकों की मौजूदगी में सम्पन्न हुआ। इस दौरान पांडुरंग आमले ने अपने सामाजिक दायित्व का निर्वहन करते हुए बच्चों को स्कूल बैग का वितरण कर उन्हें आधार देते हुए समाज के प्रति अपने नैतिक जिम्मेदारियों को निभाया। बता दें कि कोरोना काल से 24/7 जनसेवा के लिए पांडुरंग आमले को जाना जाता है। लगातार प्रभाग में एक्टिव और जनहितार्थ कार्यों को करते हुए प्रभाग के नागरिकों की समस्याओं को और सक्षम तरीके से हल करने के लिए उन्होंने इस जनसंपर्क कार्यालय की शुरुआत की है। इस दौरान पांडुरंग आमले ने कहा कि जनता की सेवा और प्रभावी ढंग से करने में ये जनसंपर्क कार्यालय मील का पत्थर बनकर साबित होगा। जनसंपर्क कार्यालयाचं उद्घाटन करण्याचं आमचं उद्दिष्ट एकच आहे, कारण समाज आपल्या या विभागामध्ये अनेक समस्या आहेत आणि या समस्यांचं निवारण करण्यासाठी आजी माजी जे आमचे नगरसेवक आहेत ते सध्या अस्तित्वात नाही आहे किंवा बाहेर आहेत किंवा त्यांच्याकडे कुठली कामं होत नाही आहे अशा वेळेला की मग या समाजा या विभागात काहीतरी कामाचा आढावा घेण्यात यावा व कामं करण्यात यावी या उद्दिष्टाने आम्ही हे जनसंपर्क कार्यालय नवीन चालू केलं आहे आणि त्यामार्फत आम्ही विभागातील सर्व नागरिकांच्या समस्या दूर करण्याचा किंवा सोडवण्याचा आम्ही प्रयत्न करू। उपस्थित मान्यवरांनी भी पांडुरंग आमले के कार्यों को सराहा। त्यांच्या ऑफिसचं जे उद्घाटन झालं आहे त्याच्यामध्ये त्यांनी लहान मुलांना दप्तरं वगैरे वाटली तर पांडुरंग आमले साहेबांना खूप खूप शुभेच्छा। ब्युरो रिपोर्ट, नवी मी नेटवर्क।